और ये नकली राष्ट्रवादी जो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, अरे तुम तो भारत माता की जय कहते हो, हम तो ये कहते हैं कि भारत की सारी माताओं की जय, भारत की सारी माताओं की जय। लेकिन एक चुनावी फायदा हो उस प्रकार का बयान करके मोदी जी ने भी पूरे मामले से पल्लू झाड़ दिया, अभी बयानबाजी कर रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं थाना गाजी की इस धरती से कि यदि आपकी नीयत में खोट नहीं और यदि सचमुच इस पीड़िता को आप न्याय दिलाना चाहते हैं, आइए और इस एसपी को जब तक सस्पेंड न किया जाए, जब तक उसको जेल की सलाखों के पीछे न डाला जाए, आप धरने पर बैठिए। हम भी अशोक गहलोत के खिलाफ आपके साथ धरने पर बैठे, आप बैठिए ना। जब तक एट्रोसिटी के कानून के मुताबिक इस एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो, तब तक आप बैठिए धरने पर। इस अशोक गहलोत की सरकार को आपके साथ में बैठकर हम भी घेरेंगे, हम भी उनके ऊपर शिकंजा कसेंगे। लेकिन आपको तो एक बयान करके उसका चुनावी फायदा उठाकर चले जाना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद के बगल में 18-19 साल की दलित लड़की को उसका खून कर दिया। 3 गांव अभी ऐसे हैं जब घोड़ी के बैठने के मामले में, घोड़ी पर बैठने के मामले में गांव से दलितों को खदेड़ा जा रहा है, उनका दाना पानी बंद कर दिया। उन्हीं का गुजरात है ना, खोलिए ना मुंह। जब उना का आंदोलन हुआ तब क्या कहे थे, अपने नाटकीय अंदाज में कहे थे कि मारना हो तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। आज भी उना के उन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। और मोदी जी, हमको यह भी मालूम है कि डेल्टा मेघवाल कांड में असली कांड वसुंधरा राजे ने किया था, तो यह कृपया राजनीति करने का वक्त नहीं। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमारे आत्मसम्मान के साथ कभी सौदा नहीं करेंगे हम। आत्मसम्मान के मुद्दे में कभी कोई समाधान नहीं होगा। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि जो लोग बलात्कार किए वही नलायक लोग खुद उसका वीडियो बनाते। कहने का मन कर रहा है कि अरे नलायक को तुम अपनी मां के पेट में मर क्यों नहीं गए। बलात्कार करने के बाद खुद उसका वीडियो बनाते हो और फिर ब्लैकमेल करते हो, धमकी देते हो कि इतना पैसा दो वरना इस वीडियो को पूरे देश में घुमाकर तुम्हारी पत्नी की आबरू को नीलाम करेंगे। तो सवाल यह है कि दिमाग में चर्बी कहां से घुसी। इसलिए घुसी है कि उनको मालूम है कि पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ कभी सख्त कार्रवाई करने वाला नहीं, इसीलिए उनके दिमाग में यह चर्बी घुसी, यह मनुवादी चर्बी इसीलिए घुसी। 26 तारीख की घटना हुई, 30 तारीख को उसका पति थाने जाता है, सीधा एसपी को मिलता है और कहता है कि हम लोग बाइक लेकर जा रहे थे, हमको रोका, हमारा अपहरण किया दोनों का, हमको मारा पीटा, हमारी आंख के सामने हमारी पत्नी पर सामूहिक बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि यदि मुंह खोला, इतना पैसा न दिया तो इस वीडियो को पूरे देश में घुमाएं। अब यदि एसपी साहब का जमीर जिंदा होता, यदि उनके अंदर इंसानियत जिंदा होती तो तुरंत 1 मिनट के अंदर थाने वाले को
अपने SHO को ऑर्डर करते हैं कि पाताल में से इन नराधमों को ढूंढ के लाओ और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालो, अभी मुकदमा दर्ज करो। लोगों को मजबूरन देखना पड़ा। क्या राजस्थान की पुलिस चाहती तो वो वीडियो वायरल नहीं होता, उसको एक सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे पुलिस अपने कब्जे में ले लेती, बात वही खत्म हो जाती और बाकी की कानूनी कार्रवाई होती, उसको गिरफ्तारी होती, उसको जेल में डाल देती। लेकिन वीडियो बाहर नहीं जाता। ये वीडियो बाहर इसलिए गया क्योंकि SP साहब टेबल पर टांग फैलाकर सोए पड़े हुए थे, क्योंकि SP साहब ने न गिरफ्तारी किया, न उस बच्ची की मेडिकल जांच करवाई, न उस वीडियो को फैलने से रोका। और इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि जिन आरोपियों ने बलात्कार किया उन्हीं के साथ SP को जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। उनका कसूर कम है क्या? ये वीडियो फैला उसके लिए जिम्मेवार कौन है? एट्रोसिटीज का कानून क्या कहता है? भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में 17 में यह लिखा है कि छुआछूत का खात्मा होना चाहिए। हमारे संविधान में लिखा है बाबा साहब ने, दशकों तक खात्मा नहीं हुआ छुआछूत का। फिर एक कानून बना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, यानी यदि कोई छुआछूत रखता है, दलित को कुएं में से पानी लेने न दे, खाट पे बैठने न दे, मंदिर में प्रवेश करने न दे, इस प्रकार की छुआछूत कोई रखता है तो उसके खिलाफ गुना दाखिल होगा। 55 में यह कानून बना। उसके बाद में छुआछूत खत्म न हुई, अत्याचार बढ़ते ही गए, तब जाके 1989 में यह एट्रोसिटीज का कानून बना कि अब तो कुछ भी करके इन घटनाओं को रोकना पड़ेगा। इस कानून का मतलब क्या है कि जब इस प्रकार की घटना हो और फिर पुलिस में हरकत आए, नहीं, इस प्रकार की घटना ही ना हो इसके लिए पुलिस हरकत में आए, यह कानून कहता है। इस कानून का उद्देश्य, इस कानून को बनाने के पीछे की मंशा, उसका हेतु यह था कि इस प्रकार की घटनाओं को, वारदातों को, उत्पीड़न को, अत्याचार को रोका जाए। अब सवाल यह होता है, हम यदि किसी जिले के SP हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम जहां के SP हैं वहां के फला गांव में अत्याचार होगा? हमको सपना तो नहीं आएगा ना। बात तो सही है, तो फिर उसको रोके कैसे? लेकिन इस मामले में ऐसा कोई तकलीफ नहीं था। बलात्कार की पीड़िता और उसका पति कह चुका था आपको कि हमारे ऊपर जो बलात्कार हुआ उसका वीडियो उनके पास है, तुरंत उसको रोक सकते थे, उसको नहीं रोका। और इसीलिए यह मांग को हमें जिंदा रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन्होंने बलात्कार किया उनको तो सजा होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हर कीमत पर इस SP के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि पूरे भारत में यह संदेश आ जाए कि यदि दलित उत्पीड़न के मामले में, दलित बहनों पर हुए अत्याचार के मामले में, यदि कोई SHO या SP या DG या कोई भी बड़ा अफसर कार्रवाई नहीं करेगा तो उसको थाना गाजी की तरह जेल में जाना पड़ेगा। यह उदाहरण हमको देना है, यह उदाहरण हमको सेट करना है। राजस्थान की धरती से यह आगाज होना चाहिए, पूरे भारत के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए। जिस प्रकार का मैसेज, जिस प्रकार का संदेश गुजरात में दलितों ने उना के आंदोलन के वक्त दिया था,
उसी प्रकार का एक संदेश राजस्थान के दलित समुदाय के सारे भाई बहनों को, और दलित ही क्यों, सारे वो लोग जो समानता में मानते हैं, संविधान में मानते हैं, जो मानता है कि बहनों के साथ इस प्रकार की ज्यादति न हो, उन सारे लोगों का यह कर्तव्य बन। मैं कहीं दूर से नहीं आता, आपका पड़ोसी, आपका बेटा हो, आपका भाई हो। जितना राजस्थान में, गुजरात में लोग पहचानते हैं, उतना ही लोग राजस्थान में हमको पहचानते हैं। यदि मोदी की सरकार को घेर सकते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार को भी घेर के दिखाएंगे। यदि तुम्हारे मोदी और अमित शाह के खिलाफ हम मोर्चा खेले हैं तो यहां की सरकार के खिलाफ भी लड़ने में किसी माई के लाल के औकात नहीं कि हमको रोक के दिखाएं। लेकिन अभी हम यहां राजनीति करने के लिए नहीं है। हम आखिरी बार राजस्थान की सरकार को अपील करते हैं, पूरे राजस्थान, गुजरात और पूरे देश के दलित समुदाय की ओर से, कि 24 से 48 घंटे के अंदर अलवर के जो एसपी साहब ने अपना चरित्र उजागर किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वरना अशोक गहलोत साहब खुलकर कहते हैं हम अपने आप को वचन देते हैं तो फिर तुम्हारी सरकार कैसे बनती है वो हम भी देखेंगे। ये वचन आप सारे लोग लो, व्यक्तिगत किसी से हमारा दुश्मनी नहीं है, लेकिन यदि कोई सरकार अत्याचार के मामले में ठोस कार्रवाई ना करे तो हमको भी सरकार को कहना पड़ेगा, ये तो किसी कीमत पर नहीं चलेगा। और आप तमाम लोगों को मेरी बात को समाप्त करने से पहले सिर्फ इतना अपील करता हूं कि इसके साथ साथ जितने भी बलात्कार के मामले सामने आए हैं और आ रहे हैं, इन सारे मामलों को एक साथ उठाया जाए। और यही वो वक्त है जिस वक्त पे ये भी पूछा जाए कि हमारी बहन डेल्टा मेघवाल को भी कब न्याय मिलेगा। हम ना ऊना भूलने वाले हैं, ना सहारनपुर में घर जले ना वो भूलने वाले हैं, ना डेल्टा मेघवाल भूलने वाले हैं। चाहे किसी भी सरकार बने, किसी भी पार्टी की सरकार बने, हमारे आत्मसम्मान के साथ कभी कोई सौदा नहीं हो सकता, कभी कोई समाधान नहीं हो सकता। कल हम जयपुर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी मुद्दे पर ठोस बात रखने वाले हैं, लेकिन आप तमाम लोगों के बीच में इस बात का भी अनाउंसमेंट करते हैं, 2019 का चुनाव खत्म होने दो, तुरंत फिर एक बार राजस्थान के अंदर एक यात्रा करते हैं, उस मांग के साथ कि 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान जितने साथियों पर मुकदमा लगा वो सारे केस राजस्थान की सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इस मांग के साथ पूरे राजस्थान के एक एक जिले में जाया जाए, फिर उसी प्रकार की यात्रा मध्य प्रदेश में भी करेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो। 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान इस मुल्क में जहां पर जिन पर जितना भी मुकदमा दर्ज हुआ वो सारे केस वापस लिए जाए, वरना एक जबरदस्त जन आंदोलन को छेड़ा जाएगा। तो आप तमाम लोगों को यही अपील है कि हम लोगों को भी भूलने की बीमारी है, जब 2 अप्रैल का भारत बंद होता है तब हम डेल्टा मेघवाल कांड को भूल जाते हैं, और जब थानागाजी होता है तब 2 अप्रैल का भारत बंद भूल जाते हैं। अपनी याददाश्त को तेज रखिए, हम कुछ भी भूलने वाले नहीं। इस मुल्क में हमारे बाप दादाओं ने पसीना बहाया, यहां की ईंटों के भट्ठों में कौन है, हम दलित और आदिवासी लोग, यहां के कारखानों में कौन है, फैक्ट्रियों में कौन है, सारी मजदूरी पसीना बहाने का काम कौन करता है, हम लोग करते हैं। इस मुल्क के अर्थतंत्र को चलाने में दलित,
आदिवासी और गरीब मजदूरों का खून और पसीना, ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप का नहीं। ये कहने का वक्त है, अपने अधिकार के लिए उठ खड़े हो जाओ और एक साथ मिलकर नारा लगाओ, चाहे जिसकी सरकार हो, हम हक और अधिकार लेकर रहेंगे। बहन डेल्टा वेगवाल को भी न्याय मिले, सहारनपुर में गिनके जिनके घर जले उनको भी न्याय मिले, और पिछले एक दो महीने में 12 से ज्यादा जो बलात्कार के मामले सामने आए हैं, उन तमाम पीड़ितों को न्याय मिले, इसी बात का संकल्प करने के लिए गुजरात से चल के आपके बीच में आया हूं। आप तमाम लोगों का धन्यवाद, आप तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, साथ में मिलकर लड़ेंगे। आपके और हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और एक बात आपको जाते जाते कहना चाहूंगा, एक बात समझ लीजिए, हम न मायावंशी है न मेघवंशी, हम न वाल्मीकि है न मेघवाल न रैगर, हमारी केवल एक ही पहचान है, हम दलित। बाकी का सब भूल जाओ, बाकी का सब छोड़ दो, यदि हम मेघवाल रैगर वाल्मीकि इन सब में बटे रहेंगे तो मुट्ठी कैसे तान पाएगा। अब वक्त आ गया है इन सबको छोड़ के सिर्फ बाबा साहब की सेना के सिपाही बन जाए, बाकी सब छोड़ दीजिए। मुझे लगता है इतना यदि हम कर पाए और नई पीढ़ी के सारे आंदोलनकारी नौजवान भीम सैनिक यदि इतना कर दे, तो मुझे लगता है इस मुल्क पर हम शासन करके दिखाएंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।